तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपका एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है, यानी कि एक त्रिभुज है इस तरीके से। इस त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं, ये मान लो, तो ए बी सी का अनुपात दे रहे हैं 12:17:25 इस तरीके से। इनके पीछे आप एक्स एक्स मान लें तो ए बराबर 12x, बी बराबर 17x, सी बराबर 25x इस तरीके से। और फिर आपको इसका क्या दे रहे हैं, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दे रहे हैं आपको। त्रिभुज का परिमाप दे रहे हैं 540 सेंटीमीटर। कितना दे रहे हैं, 540 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप अभी हमने बताया था ए प्लस बी प्लस सी होता है। ए का मान आपका कितना है, 12x। ए का मान कितना है, 12x। बी का मान कितना है, 17x। सी का मान कितना है, 25 है, 540। इनको जोड़ दो, 7, 5, 12, 12 और 2, 14 की 4, हाँ से लगे 1, 2, 3, 4, 5, 54x बराबर 540। 54 से 54 काट दो, 54 एकम 54, एक्स का मान आपका निकला 10। एक्स का मान आपका 10 निकला, इधर आप 10 मान रख दें इसका, एक्स का मान, तो 12 गुणे 10, 17 गुणे 10, 25 गुणे 10, 12 दशारम 120, 17 दशारम 170, 25 दशारम 250 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। ए का मान आ गया 120, बी का मान आ गया 170, सी का मान आ गया अपने पास 250। अब हमें इधर हीरोन का सूत्र लगाना है, हीरोन का सूत्र। तो क्षेत्रफल बराबर का होता है, पता है आपको, रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए होता है। सबके मान रख दीजिए इधर पर। एस का मान आपका कितना था आपका, तो एस का मान अभी हमने निकाला नहीं है, एस का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें इधर पर एक्स एस का मान निकालना है। एस का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए प्लस बी प्लस सी का मान अब हमारे पास कितना दे रहे थे, 540, 540 बटे में 2, 2 से काट दो, 2 × 2 = 14, तो एस का मान आ गया आपका 270। अब लगाओ हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र का होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसके अपन को मान रखने के बाद पता चलेगा कि क्या आंसर निकलेगा। एस का मान आएगा आपका 270, ए का मान कितना है आपका 120, एस का मान 270, बी का मान 170, और एस का मान 270 और सी का मान 250, 270 गुणे 270 में से 120 घटा दो, 7 × 2 = 5, 2 में से 1 = 150 गुणा 270 में 170 का कितने बचे 100, 270 में से 250 का कितने बचे 20। अब हमें इसको यहाँ पर तोड़कर लिखना है, 270 के अगर हम गुणनखंड लगाएं तो क्या लगाएंगे अपने, 3 × 3 × 3 × 10, 3 × 9 = 70, 70 × 10 = 270। अगर हम 150 के लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15 × 10, 3 × 5 = 15, 15 × 10 = 150, और 100 की लगाएंगे तो 10 × 10, और 20 की लगाएंगे तो 10 × 2।
एक तीन का जोड़ा जे बन गया, एक तीन का जोड़ा जे बन गया, एक दस का जोड़ा जे बन गया, एक दस का जोड़ा अपने पास जे बन गया। इस दस को और तोड़ कर लिख दो, दस को तोड़ कर पचास को लिखे थे अपन ने जे, सौ को लिखे थे अपन ने जे, दस को दस, और बीस को क्या लिखा अपन ने, दो दो गुणे दस लिख रहे थे, तो दो गुणे पाँच ऐसा लिखें, ठीक है ना। एक जोड़ा तीन का सो जे, एक तीन का जोड़ा सो एक तीन जे, एक दस का जोड़ा सो एक जे दस निकल आया, एक दस का जोड़ा जे सो एक दस जे, एक दो का जोड़ा जे बन गया सो एक दो, और एक पाँच का जोड़ा जे बन गया सो एक पाँच अपने पास जे निकला। सबके जोड़ा बन गए हैं, सारी चीज़ें एक एक बार बाहर निकल आए हैं। तो अब तीन तरका नौ, नौ दशारम नब्बे, नब्बे दशारम नौ सौ, नौ सौ हो गए, गुणे पाँच दूनी दस, तो कितने 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। कितना आएगा दोस्तों आपका 9000 आपका आंसर आएगा, ये क्षेत्रफल कहलाएगा आपका। कैसा लगा हमने, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 दे रहे हैं अनुपात में, और इसका परिमाप दे रहे हैं। जब ये अनुपात में देते हैं तो इनके पीछे हम एक्स एक्स मान लेते हैं, 17x, 25x, 12, ये कांस्टेंट संख्या कोई भी मानना पड़ा था अपन लोगों को। फिर इस त्रिभुज का परिमाप दे रहे थे 540, परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540, सबके मान रख दिया, कितने आ गए अपने पास बराबर 540, 54x हो गए, इन सबको जोड़ने पर 25x, 17x, 12x को जोड़ेंगे तो 54x बराबर 540, 54 से 540 काटो कितनी बार कटेंगे, 10 बार, x का मान कितना आ गया 10, x का मान इधर 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 रख दो सब जगह, तो 120, 170, 250 सेंटीमीटर जी अपना क्या आ गया, ए बी सी के आपके मान आ चुके हैं। s का मान कितना है, a प्लस जी प्लस सी बटे में 2, a का तो a प्लस जी प्लस सी का मान कितना है 540, तो बटे में 2 से काटो 270, s का मान आ गया। हीरोन के सूत्र में सारे मान रख दो, सॉल्व कर दो, सो आपके 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगे, यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप हमारा YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस के वरुण सागर को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।